तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडक्शन चूल्हे के बारे में और मल्टीमीटर से हम आपको टेस्ट करा के दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर है और ये इंडक्शन चूल्हा आएगा। अभी हम इस इंडक्शन चूल्हे को सबसे पहले हम ऑफ़ कर देते हैंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए हमने बटन को स्विच कर दिया है, ये ऑफ़ हो जाएगा। अब ऑफ़ होने के बाद फिर हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों ये देखिए 120 पर ये इंडक्शन चूल्हा ये सेट हैगा। और अभी हम एक कटोरी में पानी रखेंगे इस इंडक्शन चूल्हे में और ये हम देखेंगे कि ये कितनी देर में गर्म होता आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 120 पर चल रहा है। अब हम चलते हैं इस पर वाट देख लेते हैं एनर्जी मीटर में। तो एनर्जी मीटर में वाट दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैंगे। तो ये देखिए एनर्जी मीटर में 678 वाट इस पर आ रहे हैंगे। मतलब यहाँ पे कुछ सेकंड में पानी गर्म हो जाता हैगा, तो आपका ज़्यादा जो वाट है वो भी नहीं कंज्यूम होंगे, रीडिंग भी आपकी ज़्यादा तेज नहीं भागेगी क्योंकि ये बहुत फास्ट काम होता है। यहाँ पे देखिए ये 45 पे है और अभी हम यहाँ पे देखिए इसको हमने 60 पे कर दिया हैगा। आपने ये चीज़ देखा, हमने 60 पे कर दिया, ये 0 पे बिल्कुल हो गई है। तो आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, जो भी मर्ज़ी आप पका सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और गैस से और मीटर से ये दोनों फ़ायदा है। तो यहाँ पर आप देखिए एनर्जी मीटर से हमने पूरा टेस्ट करा के आपको दिखा दिया है। आप 100% इसको यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।